हमसे पूछा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि थ्रेशहोल्ड लिमिट यानी कि 20 लाख या 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट रेट सप्लाई का मतलब होता है यानी कि अभी जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट से बाहर आपको कोई भी सप्लाई नहीं करना। हमसे पूछा है कि अगर कोई डीलर ऑनलाइन गुड सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे पोर्टल को यूज कर, रूल नंबर 138E 21st of August 2019 से एप्लीकेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त सीए नेहा। बने रहिए हमारे साथ जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्लैरिफिकेशंस के लिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर अपडेट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कल GSTR 9 9C का एक्सटेंशन आ चुका है। हम लोग बहुत कीनली वेट कर रहे थे कि एक्सटेंशन आ जाए, तो एक्सटेंशन अभी कल आ गया है, उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऊपर एक एनालिसिस, क्या ये जो एक्सटेंशन आया है हम रियली ये एक्सटेंशन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसमें कंसिडरेशन वाली बात ये है कि ठीक है, एक्सटेंशन आ गया है, हमारी डेट 3 महीने से एक्सटेंड हो गई है, अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का टाइम मिल गया है ये फॉर्म्स को और अच्छे से समझने का और बेहतर तरीके से हम अपनी ऑडिट कंप्लीट करने का। लेकिन ध्यान देने वाली बात या गौर करने वाली बात ये भी है कि हम अभी तक क्यों नहीं ये फॉर्म्स अपलोड कर पाए या हम अभी तक क्यों नहीं अपने ऑडिट्स कम्प्लीट कर पाए। अभी तक ये जो फॉर्म्स है इसमें हम लोग काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं। एक तरीके से कहा जाए तो डिपार्टमेंट ने या तो इसका प्री ट्रायल नहीं लिया है या फिर डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था कि वो ये फॉर्म्स को रिलीज़ करे। सबसे पहले फॉर्म्स आने में काफ़ी डीले हो गया, देन फॉर्म्स आने के बाद आज भी अपलोड करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है। और इन फॉर्म्स में जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स टेबल्स दिए हैं इनको फीड करते करते हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। चाहे हमारा जो GSTR 2A है उसमें GST रिकन्सिलिएशन की बात हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट के, या फिर जो HSN कोड्स में हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं 4 डिजिट और 6 डिजिट का जो कन्फ्यूज़न है, या फिर DSC इंस्टॉल करते वक्त, DSC लगाते वक्त हमें डिफ़िकल्टीज आ रही है, फॉर्म्स अपलोड करते वक्त काफ़ी एरर्स जनरेट हो रहे हैं और टेबल्स को इटसेल्फ समझना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो क्या हम एक्सटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर हम इन फॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन ऐसे हैं जो अभी भी डिपार्टमेंट से पेंडिंग हैं और हमें आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में इन टेबल्स में डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर सेम सिनेरियो बना रहता है कि फॉर्म्स सिंप्लीफाइड नहीं होते हैं और सेम टेक्निकल प्रॉब्लम्स बने रहते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 3 महीने बाद भी हम सेम लाइन्स पे, सेम जगह पे खड़े हों जहाँ पे हम सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों कि हमें अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमें क्या करना है। और हम वापस से 30th of November को ही एक्सपेक्ट करें कि एक और एक्सटेंशन आ जाए। गौर करने वाली बात ये भी है कि जहाँ तक इन फॉर्म्स की वजह से रजिस्टर्ड डीलर्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जो प्रोफेशनल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं रजिस्टर्ड डीलर्स को या फिर जो ऑडिट कर रहे हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि फीस इंक्रीज नहीं होने वाली है, फीस उतनी ही रहने वाली है। और अपार्ट फ्रॉम डैट काफ़ी सारे ड्यू डेट्स प्रोफेशनल्स के लिए और भी हैं, इनमें से में टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट है, कंपनी ऑडिट के ड्यू डेट्स हैं और भी काफ़ी सारे ड्यू डेट्स हैं जो कि लाइन बाय लाइन है ही 31st अक्टूबर तक। नए फॉर्म्स भी आ जाएंगे GST रिटर्न के जो कि 1st अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे, उनमें भी क्या टेक्निकलिटीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी, टेक्निकल ग्लिचेज रहेंगे, वो भी एक इशू रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ये देखने वाली है कि 1 महीने बाद ही 31st दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर 18-19 का भी एनुअल रिटर्न ड्यू हो जाएगा, तो उस पर भी वर्क करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पहलू है यहाँ पे जो ध्यान देने वाला है, जो कि है ऑर्डर्स जो इशू कर सकते हैं हमें GST अथॉरिटीज़ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ऑफ CGST एक्ट के अंदर। इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि सेक्शन 73 और 74 ऑफ CGST एक्ट जो है वो पावर्स देते हैं डिपार्टमेंट को कि वो ऑर्डर्स और नोटिस इशू कर सकें
जिसका टाइम लिमिट होता है 3 years या 5 years एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। तो जब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ गई है 30th November तक, तो डिपार्टमेंट को भी एडिशनल टाइम मिल गया है कि वो इन सेक्शंस के अंदर अपने ऑर्डर्स एंड नोटिसेस इशू कर सकें। यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये ड्यू डेट एक्सटेंड ना होती तो क्या होता, हमारे ऊपर लेट फीस, लेट पेमेंट और लेट फाइलिंग चार्जेस लगते। जो होना चाहिए था, ड्यू डेट एक्सटेंशन की जगह ये चार्जेस वेव ऑफ किए जा सकते थे। वहां पे एक्चुअली में रजिस्टर्ड पर्सन को बेनिफिट होता। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो ध्यान देने वाला है, सेक्शन 36 ऑफ CGST एक्ट, जो कि प्रिस्क्राइब करता है कि हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिटेन करके रखने हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक। इसमें टाइम लिमिट जो हमें दी गई है वो दी गई है कि हमें इसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, वहां से 72 मंथ्स तक हमें अपने अकाउंट्स ऑफ बुक्स जो हैं वो संभाल के रखने होते हैं। तो अभी जब ड्यू डेट हमारी एक्सटेंड हो गई है 30th November, तो वहां से हमें 72 मंथ्स काउंट करने होंगे और 2025 तक हमें ये अकाउंट जो है अपने रिटेन करने पड़ेंगे। तो ये भी एक रिटेंशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए बढ़ गया है। तो ओवरऑल एनालिसिस अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, अभी भी फॉर्म्स वैसे ही हैं, अभी भी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही हैं। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, अभी हमें बैठना नहीं चाहिए कि हम 30th November तक वेट करें और अपने रिटर्न्स को जो है वो पोस्टपोन कर दें, क्योंकि हमने अभी काफ़ी वर्क किया है अपने एनुअल रिटर्न्स पे। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसे 31st August तक फिनिश करें। तो जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमें उन पे वर्क कर लेना चाहिए और हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए ताकि हम लेट फाइलिंग या फिर कोई भी जो इम्प्लीकेशंस होते हैं उनसे बच सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ओपिनियन था एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट के ऊपर। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये एक्सटेंशन जरूरी था या फॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन और टेक्निकल ग्लिचेस दूर करना जरूरी था। मिलते हैं वापस से एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।